हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोपेडिक्स में एक्सरे के बारे में। ज्यादातर लोग जब एक्सरे के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको जो एक्सरे बोलते हैं हाथ या पैर का, वो बोलते हैं एक्सरे उस पर्टिकुलर पार्ट का, जैसे राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है या फिर लेफ्ट थाई है राइट थाई है, वो उस पार्ट का नाम लेते हैं कि कौन से पार्ट का होगा, थाई का, लेग का, फोर आर्म का, आर्म का, या उसके बाद वो मेंशन करते हैं कि इसको दो व्यू में लेना है, एक एपी व्यू यानी एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू या एक लैटरल व्यू यानी साइड से देखने वाला व्यू। एपी व्यू सामने से देखते हैं एक्सरे को और लैटरल व्यू में उसी बोन को या उसी बॉडी पार्ट को साइड से देखते हैं। तो इसी प्रकार से दो तरफ से देखने में आपको सही तरीके से पता लग जाता है कि प्रॉब्लम कहां पर है और कैसे है, आप दो डायमेंशन में उस एक्सरे को देख पाते हैं। तो जैसे थाई का लिखा राइट साइड की, तो एक्सरे राइट थाई, एपी व्यू एंड लैटरल व्यू। उसके बाद एक्सपर्ट को पता होता है कि उसमें क्या देखना है। एक नॉर्मल इंसान कई बार बहुत सारी चीजें देख के नहीं समझ पाता है, एक बड़ा सा फ्रैक्चर होता है तो दिख जाता है, अदरवाइज जब डॉक्टर देखते हैं उस एक्सरे को तो उस बेन बोन की शेप कैसी दिख रही है, साइज कैसा दिख रहा है, उसकी कंटूरिंग कैसी है, बोन के जो बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होती है वो थिक है थिन है। बोन को हम दूसरे साइड से भी कंपेयर करते हैं कई बार, जैसे घुटने का एक्सरे कराया, एक्सरे बायलैटरल नी, एपीएल लैटरल, तो दोनों तरफ की बोन का कंपैरिजन हो रहा है कि वो दूसरे के मुकाबले शेप कैसी है, साइज कैसा है, कंटूर कैसा है, बोन की कॉर्टेक्स का थिकनेस और थिननेस है, तो थिक है तो अच्छी मजबूत बोन है, कॉर्टेक्स थिक है और कॉर्टेक्स थिन है तो वो एक वीक बोन है। साइज कैसा है, कहीं एक पैर दूसरे पैर से छोटा तो नहीं है, तो बोन शॉर्ट हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है कई केसेस के अंदर कि दूसरे साइड से बड़ी तो नहीं है या बड़ी वाली साइड नॉर्मल हो सकती है बोन, और बोन के अंदर कर्वेचर कैसा है। तो ये सारी बातें एक्सपर्ट नोटिस करते हैं एक्सरे के अंदर, पर कुछ जगह एपी और लैटरल व्यू नहीं होते हैं। जैसे हैंड और फुट का एक्सरे अगर हम एपी कराएंगे तो सामने से दिखेगा, पर लैटरल कराएंगे तो हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियां एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देंगी, तो इसीलिए हम हैंड और फुट में ओब्लीक एक्सरे कराते हैं। इसी प्रकार से कुछ पार्ट के अंदर जहां हम एक्सरे कराते हैं वहां पर स्ट्रेस फिल्म कराते हैं, मतलब है कि जैसे अगर एसी जॉइंट यानी आप देखेंगे फोटो में एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, अगर ये जॉइंट के ऊपर से लिगामेंट टूट गए हैं तो वो पता लगाने के लिए पेशेंट के हाथ में एक वजन दे देते हैं जिससे उस तरफ प्रेशर पड़ने से वो हाथ डिफरेंट दिखेगा नॉर्मल साइड से, तो कंपैरिजन फिल्म में पता लग जाता है स्ट्रेस फिल्म के अंदर। इसी प्रकार घुटने के एक्सरे के अंदर जब खड़े होकर एक्सरे कराते हैं घुटने का सामने से, तो वो स्ट्रेस व्यू आता है, उससे सही पिक्चर पता चलती है। लिटाने पर जब घुटने का एक्सरे करते हैं तो उतने अच्छे तरीके से लिगामेंट की पोजिशन, कितना गैप कम हुआ है वो पता नहीं चल पाता है। इसी प्रकार से जब जॉइंट देखते हैं किसी भी हिस्से के अंदर तो उसका अलाइनमेंट देखा जाता है कि वो नॉर्मल अलाइनमेंट में एक बोन दूसरी बोन के ऊपर है या उनका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, उनके बीच में एक एंगल होता है, वो एंगल कहीं गड़बड़ तो नहीं है। इसी प्रकार से बोन की मजबूती देखने के लिए कि उसमें ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि वीकनेस तो नहीं हो गई है या कोई एबनॉर्मल टेक्सचर तो नहीं है या उसके ऊपर बोन के ऊपर कोई एबनॉर्मल बोन तो नहीं बनी हुई है, तो उस प्रकार से टेक्सचर देखा जाता है। हम एक्सरे देख के कई प्रकार की बीमारियां जो पैदाइशी होती हैं, इन्फेक्शन की चीजें हैं, चोट लगने वाली, कोई ट्यूमर बोन के अंदर हो या कोई मेटाबॉलिक डिजीज हो, कैल्शियम फॉस्फेट की मेटाबॉलिज्म में डिफरेंस होने की वजह से या विटामिन डी की कमी से, तो वो भी पता लगा लेते हैं। कंपैरिजन फिल्म से हमें काफी मदद मिलती है, जब जैसे घुटने के अंदर हमने एग्जांपल दिया तो वो दोनों तरफ का करा के देखते हैं तो उससे पता लग जाता है कि एक तरफ का घुटना ज्यादा घिसा है या दूसरी तरफ का घिसा हुआ है। उस प्रकार से जब एक्सरे के लिए हम जाते हैं पेशेंट को तो हम देख लेते हैं कई बार, जैसे फुट पे और एंकल पे जो चोट लगी होती है तो पेशेंट उसमें अंदाजा नहीं लगा पाते कि वो कौन से पार्ट में चोट लगी है, तो जब हम उस पार्ट को दबा के देखते हैं, बोन के हिस्से को दबा के देखते हैं जिसे हम बोलते हैं लोकल टेंडरनेस, तो हम उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें एक्सरे फुट का कराना है या एंकल का, क्योंकि अगर एक पार्ट का एक्सरे कराएंगे तो दूसरे पार्ट की इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी। तो इसीलिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन किसी भी एक्सरे कराने से पहले काफी जरूरी है। कई बार
लोग एक्सपीरियंस से एक्सरे करा तो सकते हैं, पर फिर भी एडवाइजेबल है कि क्लिनिकल एग्जामिन होने के बाद ही एक्सरे होने चाहिए। तो इस प्रकार ये साधारण से एक्सरे जो होते हैं काफी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, जो कि एक एक्सपर्ट की आंखें पहचान सकती है कि उसको पता होता है कि उसके अंदर आपको क्या चीजें देखनी है जो एक साधारण आंख नहीं देख पाती, वो एक एक्सपर्ट आंख देख पाती है। आई थिंक ये एक छोटा सा वीडियो एक्सरे के बारे में आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो डीआर दिल्ली।